Jai Hind Defence Aspirants, welcome back to my channel SSB Success. For any query regarding SSB and AFSB, please join our Telegram channel SSB Success, whose link is given in the description box. And for more updates regarding SSB and AFSB, do subscribe our YouTube channel SSB Success. So today we are going to cover an important topic which was in news, and that is aging in India, state of elderly. It is very important for your SSB and AFSB point of view in terms of group discussion and lecture. So let's get started with our topic. See why it is in news. According to National Commission on Population, जो share है elderly का India के population में, that is close to 9% in 2011, और बोला जा रहा है ये 18% हो सकता है by 2036. India को जो है इंश्योर करने की ज़रूरत है एक डिसेंट क्वालिटी ऑफ लाइफ फॉर एल्डरली इन नियर फ्यूचर. प्लानिंग प्रोवाइडिंग फॉर इट मस्ट बिगिन टुडे. जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है इंडिया में वो डबल हुई है सिंस इंडिपेंडेंस, फ्रॉम अराउंड 32 इयर्स इन द लेट 1940s टू 70 इयर्स और सो टुडे. काफ़ी सारी कंट्री ने इवन बेटर परफॉर्म किया है. दिस इज़ अ स्टिल हिस्टोरिकल अचीवमेंट. उसी पीरियड में फर्टिलिटी रेट भी डिक्लाइन हुआ है फ्रॉम अबाउट 6 चिल्ड्रन पर वुमेन टू जस्ट 2, लिबरेटिंग वुमेन्स फ्रॉम शैकल्स ऑफ रिपीटेड चिल्ड्रन चाइल्ड बेयरिंग और चाइल्ड केयर. ये जबकि गुड न्यूज़ है, बट ये एक चैलेंज भी क्रिएट करती है, दैट इज एजिंग ऑफ पॉपुलेशन. अगर जो है मैं आपको इस ग्राफ के माध्यम से बताऊँ, आप देख सकते हो कि किस अकॉर्डिंग हमारा जो ग्राफ है कैसे इन जनरल पॉपुलेशन और इन एल्डरली पॉपुलेशन में बढ़ रहा है. ये जो है ग्रीन वाली मार्किंग है, ये आपको जनरल पॉपुलेशन के बारे में बता रही है, जो परसेंटेज चेंज होती हुई नजर आ रही है. फॉर एग्जांपल 1951 से 61 के बीच में 21.6 थी, ये किसकी है, जनरल पॉपुलेशन की. देन जो है 24.8 हुई कब, 1961 से 71. उसी तरीके से 2021 से 31 के बीच में इट वुड बी 8.4%. अगर आप देख पाओ तो यहाँ पे हमारी एल्डरली पॉपुलेशन की जो परसेंटेज है वो बढ़ती जा रही है. 2021 से लेके 2031 के बीच में दैट वुड बी अराउंड 40.5. ओके, सो हम ये देख सकते हैं कि 7.6 से लेके 20.6% तक देखी जा सकती है कब, 2050 में एल्डरली की पॉपुलेशन. क्या प्रॉब्लम्स है जो एजिंग पॉपुलेशन से एसोसिएटेड है, सोशली बात करते हैं. देखो इंडिया की सोसाइटी जो है, या फिर इंडियन सोसाइटी एक रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन में अंडरगो कर रही है, अंडर द इम्पैक्ट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन, टेक्निकल एंड टेक्नोलॉजिकल चेंज, जिसमें एडुकेशन और ग्लोबलाइजेशन आता है. कॉन्सिक्वेंटली जो ट्रेडिशनल वैल्यूज इंस्टीट्यूट है वो इरोड हो रहे हैं, और यू नो इंटरजेनरेशनल टाइज जो है वो वीकन पड़ रहे हैं, जिस जो कि हॉलमार्क थे ट्रेडिशनल फैमिली के. इंडस्ट्रियलाइजेशन ने जो है रिप्लेस किया है सिंपल फैमिली प्रोडक्शन यूनिट को बाय द मास प्रोडक्शन एंड द फैक्ट्री. दूसरी प्रॉब्लम्स क्या थी, नेग्लिजेंस बाय किड्स टुवर्ड देयर ओल्ड पेरेंट्स, डिसइल्यूशनमेंट ड्यू टू द रिटायरमेंट, पावरलेसनेस, लोनलीनेस, यूजलेसनेस, आइसोलेशन की फीलिंग एल्डरली में, और मोर ओवर यू विल सी अ जनरेशनल गैप. फाइनेंशियल प्रॉब्लम की बात करें, रिटायरमेंट और डिपेंडेंस जो होता है एल्डरली का उन पे चाइल्ड पे फॉर बेसिक नेसेसिटी, सडन इंक्रीज हो जाता है किस चीज़ का, इन आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस ऑन ट्रीटमेंट. माइग्रेशन उनके यंग वर्किंग एज पर्सन का फ्रॉम रूरल एरियाज, उसकी वजह से एक नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलता है एल्डरली लोगों पर. वो अकेले रहते हैं विद देयर ओनली स्पाउस, और उनके पास कुछ यू नो दे आर poor as well as they are distressed also. Insufficient housing facility. एक national survey carried out किया गया था by NGO HelpAge India, जिन्होंने show किया है क्या 47% of elderly people जो है वो economically dependent है किन पे, families pay for income, and 34% जो है they are relied on pension and cash transfer. जो 40% है survey के द्वारा पता चला है, उन्होंने अपनी desire दिखाई है काम करने की as long as this पॉसिबल, सो दैट वो बेसिक नेसेसिटी को अफोर्ड कर सके. हेल्थ की बात करें, हेल्थ इश्यूज लाइक ब्लाइंडनेस, लोकोमोटर डिसेबिलिटी, डेफनेस आर मोस्ट प्रिवेलेंट. मेंटल इलनेस भी अराइज होती है, शोइंग पुअर मेंटल एबिलिटी बिकॉज ऑफ ओल्ड एज एंड न्यूरोसिस. न्यूरोसिस एक ऐसी क्लास ऑफ फंक्शनल मेंटल डिसऑर्डर है जिसमें क्रॉनिक डिस्ट्रेस होता है, नाइदर डिल्यूशन नॉर हेलुसिनेशन, बट एक अलग तरीके का. Absence of geriatric care facilities at hospital in rural areas. एक recent survey के according 30-50% of elderly people के पास symptom होते हैं किसके, depression के. एक large majority of elderly person जो है वो अकेले रहते हैं, especially women's widows. Depression strongly correlated है उनके poverty, poor health, loneliness का reason के पीछे. What do we need
टू नो अबाउट इंडिया सोशल असिस्टेंस स्कीम। देखो, अंडर दी नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम स्कीम इंडिया ने इम्पॉर्टेंट स्कीम्स निकाले हैं, नॉन कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन फॉर एल्डरली, विडोज, वुमेन, डिसेबल पर्सन। इसको एडमिनिस्टर किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के द्वारा। इश्यूज क्या है स्कीम के साथ? चांसेस ऑफ एक्सक्लूशन, देखो एलिजिबिलिटी जो है ना आपकी एनएसए ऐप में, वो किस पे रिस्ट्रिक्टेड है? बिलो पॉवर्टी लाइन फैमिलीज, आउटडेटेड एंड अनरिलायबल बीपीएल लिस्ट, जिसमें से जो कि 20 साल पुरानी है। जब ये ओल्ड एज पेंशन पे आती है तो ये टारगेटिंग करते हैं, विच इज़ नॉट एन अ गुड आइडिया, बिकॉज काफ़ी सारे लोग जो है बीपीएल लिस्ट से एक्सक्लूड किए गए हैं। इसी की वजह से टारगेटिंग की वजह से हाउस होल्ड रहते थे इंडिविजुअल इंडिकेटर्स पे ध्यान दिया जाता है। विडोज और एल्डरली पर्सन को जो है डिप्रिवेशन का सामना करना पड़ता है, इवन इन द रिलेटिवली वेल ऑफ हाउस होल्ड। कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मेलिटीज, देखो ये जो इतने सारे तामझाम, मतलब ये फॉर्म फिल करना जो कि मतलब काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह प्रूफ करना, एलिजिबिलिटी को दिखाना, उसकी वजह से जो है बहुत सारे लोग स्कीम्स का बेनिफिट नहीं उठा पाते हैं। स्टेगनेंट कॉन्ट्रीब्यूशन, सेंट्रल कॉन्ट्रीब्यूशन टू ओल्ड एज फंड अंडर एनएसएपी वो काफ़ी स्टेगनेंट है, जो कि 200 रुपये पर मंथ सिंस 2006, और जिसमें जो है अगर हम देखें विडोज के लिए इट इज़ 300। और दूसरी तरफ काफ़ी स्टेट ने एनहांस भी है कवरेज और सोशल सिक्योरिटी पेंशन को भी बियॉन्ड एनएसएपी नॉर्म्स, यूजिंग देयर ओन फंड्स एंड स्कीम्स सो दैट उनको बेनिफिट मिल सके। कुछ ने जो है नियर यूनिवर्सल अबाउट 75-80% कवरेज ऑफ विडोज और एल्डरली पर्सन ने ये सब चीज़ों को अचीव भी किया है। दूसरी स्कीम्स क्या है? देखो प्रधानमंत्री वायु वंदना योजना एक पेंशन स्कीम है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अनाउंस की थी, एक्सक्लूसिवली फॉर सीनियर सिटीजन एजेड 60 इयर्स एंड अबव। ये स्कीम को एक्सटेंड किया है अप टू 2023 फॉर अ फर्दर पीरियड ऑफ 3 years बियॉन्ड 2020। इंटीग्रेटेड प्रोग्राम फॉर ओल्डर पर्सन, मेन गोल जो है इस पॉलिसी का दैट इज टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ सीनियर सिटीजन। और ये किस तरीके से करते हैं? हम उनको बेसिक एमिनिटीज प्रोवाइड करके, सच एज फूड, शेल्टर, मेडिकल केयर, इवन एंटरटेनमेंट अपॉर्चुनिटीज। राष्ट्रीय वायुश्री योजना ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है जिसको फंड किया जाता है सीनियर सिटीजन वेलफेयर फंड से। जो फंड है वो नोटिफाई किया गया था 2016 में। ये अनक्लेम अमाउंट्स हम कह सकते हैं फ्रॉम स्मॉल सेविंग अकाउंट, पीपीएफ, ईपीएफ, इनको ट्रांसफर किया जाता है इस फंड में। इसका एम है एड प्रोवाइड करना, असिस्ट करना लिविंग डिवाइसेस टू सीनियर सिटीजन जो बीपीएल से बिलोंग करते हैं, जो सफ़र कर रहे हैं एज रिलेटेड डिसेबिलिटी, फॉर एग्जांपल लो विजन, हेयरिंग इम्पेयरमेंट, लॉस ऑफ टीथ एंड लोकोमोटर डिसेबिलिटीज। संपन्न प्रोजेक्ट, इसको लॉन्च किया था 2018 में। ये सीमलेस ऑनलाइन पेंशन प्रोसेसिंग एंड पेमेंट सिस्टम है फॉर डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन पेंशन। ये प्रोवाइड करता है डायरेक्ट क्रेडिट ऑफ पेंशन इन टू द बैंक अकाउंट ऑफ पेंशनर्स। सेक्रेट पोर्टल फॉर एल्डरली, ये जो पोर्टल है इसको डेवलप किया गया था बाय द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। सिटीजन जो है अबव 60 ईयर्स ऑफ एज जो है इस पोर्टल पे रजिस्टर कर सकता है, जॉब फाइंड आउट कर सकता है और वर्क अपॉर्चुनिटीज को भी। एल्डर लाइन टोल फ्री नंबर फॉर एल्डरली, ये प्रोवाइड करता है इन्फॉर्मेशन, गाइडेंस, इमोशनल सपोर्ट, पर्टिकुलरली ऑन पेंशन, मेडिकल एंड लीगल इशूज, इमीडिएट असिस्टेंस इन केसेज ऑफ अब्यूज पे भी। ये डिवाइस है जो सारे सीनियर सिटीजन को उनके वेल विशर और देयर वेल विशर्स विद वन प्लेटफॉर्म अक्रॉस द कंट्री उनको कनेक्ट करता है, उनके कंसर्न्स को शेयर करता है, इन्फॉर्मेशन को लेता है, गाइड करता है प्रॉब्लम जो वो डे टू डे बेसिस पे फेस कर रहे हैं। सेज विच इज़ अ सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन इनिशिएटिव, ये वन स्टॉप एक्सेस है ऑफ एल्डरली केयर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज बाय क्रेडिटेबल स्टार्टअप्स। और इसको लॉन्च किया गया था विद अ व्यू टू हेल्प सच पर्सन जिनको एंटरप्रेन्योरशिप में इंटरेस्ट इन द फील्ड ऑफ प्रोवाइडिंग सर्विस फॉर एल्डरली केयर। वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है? प्रोटेक्शन फ्रॉम डेस्टिट्यूशन फर्स्ट स्टेप टूवर्ड ये है एल्डरली के लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, कि उनको जो है डेस्टिट्यूशन से प्रोटेक्ट करना और डिप्रिविएशन से भी, जो कि साथ में आती है। कैश इन द फॉर्म ऑफ पेंशन जो है उनकी हेल्प कर सकती है विद मेनी हेल्थ इश्यूज और लोनलीनेस को भी अवॉइड कर सकती है, इसलिए ओल्ड एज पेंशन वाइटल पार्ट है सोशल सिक्योरिटी सिस्टम का अराउंड द वर्ल्ड। एम्यूलेटिंग द फ्रंट रनर्स, जो सदर्न स्टेट्स और इंडिया के पुअर स्टेट्स है उड़ीसा एंड राजस्थान, उन्होंने नियर यूनिवर्सल सोशल सिक्योरिटी पेंशन अचीव की है पेंशन आई में, उनके एक्शंस भी वर्थ एम्यूलेटिंग है। तो ये काफ़ी ईजी होगा स्टेट्स के लिए टू डू द सेम अगर सेंट्रल गवर्नमेंट जो है रीवैम्प करें एनएसएपी को। फोकसिंग ऑन रीवैम्पिंग पेंशन स्कीम, क्रिटिकल एरिया जो है वो रिफॉर्म्स लाएगा सोशल सिक्योरिटी पेंशन में।
इससे क्या होगा, हेल्थ केयर, डिसेबिलिटी, एज असिस्टेंस विद डेली बेसिस टास्क, रिक्रिएशन अपॉर्चुनिटीज में भी चेंज आएगा. ट्रांसपेरेंट एक्सक्लूशन क्राइटेरिया, एक बेटर अप्रोच अपनाओ ना विडोज और एल्डरली और डिसेबल पर्सन को एलिजिबल करने के लिए, जो कि सिंपल हो, ट्रांसपेरेंट हो. एलिजिबिलिटी को सेल्फ डिक्लेयर किया जाना चाहिए विद अ बर्डन ऑफ टाइम बाउंड वेरिफिकेशन, जो कि एडमिनिस्ट्रेशन सामने रख देती है. ऑल दो काफ़ी सारे चांसेस हैं कि प्रिविलेज होल्डर जो है वो एडवांटेज लेंगे, बट ये प्रेफरेबल भी तो है ना कि ये कुछ इंक्लूजन एरर्स को अकोमोडेट किया जाएगा, जिससे जो लोग एक्चुअल में प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं दे विल बी इंक्लूडेड इन इट. So guys, that was all. I hope you liked the video. If you like it, do like it, share it, and subscribe our YouTube channel SSP Success. Guys, your likes and comments motivate us to make more and more videos on time. Thank you.